बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन एक्सपीरियंस भी फर्स्ट था। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चलिए एक और नए दिन की शुरुआत होगी है, और आज से हमारा हो गया है हल बाने का कार्यक्रम। आज कर रहे हैं हम जो हल जोत ना, तो सुबह सुबह मैंने हल तैयार कर दिया है और बैल चले गए हैं खेत में, तो चलता हूँ मैं भी खेतों की तरफ। और ये ऐसे बैठे हैं, सुबह सुबह लोग काम में गए हैं। पहुंच गया दोस्तों अभी खेतों में, और श्रीमती जी गोबर डालने में है खेतों में, जो कि रखा स्टॉक करके रखते हैं हम खेतों में, और श्रीमती जी फैलाने में लगे हैं अभी खेतों में। और मैं भी बैल जोतता हूं अब। चाची पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। ये है दोस्तों नाड़, इससे हल और जुआ को बांधते हैं। और ये है हल। थोड़ा सा हल बा के बैल ही पड़ गया है, सो गया है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हल बाने का। अब किस काम का यह बैल? इनका जो मालिक है ना, वो हलवानी है, वो उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो मैंने जोते थे, चल ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें, नसीब खराब। फाइनल दोस्तों एक खेत बा लिया है, और अब धीरे धीरे करके, आज फर्स्ट दिन था ना, बैल भी चल नहीं रहे थे, सो रहे थे, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन एक्सपीरियंस भी फर्स्ट था। आज एक खेत, कल दो खेत बाएंगे, फिर उसके करके बढ़ाएंगे। तो अगर एक ही दिन पूरा बा लिया ना, तो बैलों का वो आगे कान लग जाता, बोलते हैं हमारे वहाँ, गांठ हो जाती है, और फिर उसके बाद दर्द होता है बैलों को हल बाने में। तो इसलिए आराम आराम से उनका जो गर्दन है उसको मजबूत करना है, पहले साधना है जैसे। और इस शहर में भी ना खाली हमारे ही हमारे खेत बचे हैं। एक ये है, एक नीचे है, और वहाँ नीचे, और वो सामने रोशनदा लोगों का खेत है, ये नेहा, वहाँ ऊपर भी अपना ही है। वो मतलब जो घर है ना, घर से इधर को, ये वाले खेतों में धान बो दिए हैं, साय बोलते हैं हमारे वहाँ, पानी में मिट्टी मिक्स करके फिर छाण लगाते हैं उसमें, फिर जाके होता है काम। और नीचे सामने हमारा मछली तालाब है। चलो मछली तालाब के रास्ते अब चलते हैं घराट की तरफ, पहाड़ी चक्की की तरफ। और सुबह मैं 3:30 बजे उठ के चक्की, पहाड़ी चक्की लगा दी थी, और उसमें भी अब गेहूँ पीसने हैं, आटा ख़त्म हो रहा है, बैलों के लिए पिंड ख़त्म हो रहा है, जौ का आटा मिक्स करके बैलों को खिलाते ना, तो भी ख़त्म हो रहा है, सब पीसने हैं। यह है दोस्तों मछली तालाब, जहाँ पे कि थोड़ी बहुत मछलियाँ हैं, दिखाई तो दे नहीं रही हैं। और यहाँ से घराट ओ ऊपर है, और कुछ खेत हमारे ये भी हैं, ये वाले आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, यहाँ पे धान मनाई हो रही थी, धान मनाई से स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, और आज फिर से धान की बुआई तक हो गया है। गेहूँ बुआई कटाई, फिर अब धान की बुआई तक पहुँच गए हैं। बाकी आप लोगों का जो प्यार मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा है ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। बाकी जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखें। आगे भी बहुत, अभी तो दिन स्टार्ट ही हुआ है, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, आई होप। तो फिलहाल चलते हैं घराट की तरफ। यहाँ पर है दोस्तों पहाड़ी चक्की, तो चलते हैं पहाड़ी चक्की के अंदर, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। एक तो दरवाजा ना बड़ा भयंकर का है ये, तो ये, और ऊपर से गेहूं डाले हैं, यहाँ से नीचे से आ रहा है, ये पाथर बोलते हैं,
यहाँ से गेहूँ की पिसाई होके आटा बन रहा है। ये 3:30 बजे लगा दिया था, सुबह 3:30 बजे लगा दिया था ना, तो इतना ही आया है अभी, और ये पूरा बचा हुआ है। तो अब ठीक ठाक हो रहा है, ये आ जाएगा करीब 12-1 बजे तक। बहुत धीरे धीरे आ जा पहाड़ी चक्की में, और ये जो आटा है ना, अब मेरे को थैले में उठाना है, तो उठाते हैं। पहाड़ी चक्की का काम तो खत्म हो गया मेरा, और यहाँ पे श्रीमती जी क्या कर रहे हो? श्रीमती जी गोबर रख रहे हैं खेतों में, और काम कर करके इतना थक गए हैं बेचारी, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, और नीचे ऐसे रखे हैं यहाँ पे गोबर खेतों में। और अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। हमारे रॉकी की चल रही है तबीयत ख़राब, और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पड़ जा रहा है। चले जी आप घर से, अब फिर से दुकान की तरफ। एक टाइम दुकान खोलनी ज़रूरी है, और मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों को चारा देना है, दुकान के काम करने हैं, तो चलते हैं दुकान में, फिर देखते हैं आगे को कहाँ जाना होता है, क्या होता है। खेतें भी लगभग खाली हो गए हैं, गोबर भी डाल दिया है खेतों में, और हल बाने की तैयारी भी होगी है यहाँ भी, और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं सुबह सुबह के। दुकानों में भी सुनसानी है अभी। अब मेरा भी यहाँ का काम हो गया है, तो अब मेरे को जाना है यहाँ से बागेश्वर, क्योंकि चक्की का जो फैन बेल्ट है ना, वो टूट गया है, और फैन बॉक्स भी फट गया है। ओह दिखाता हूँ मैं कैसा हो रखा है। यहाँ पे चक्की में इतने सारे धान आ रखे हैं, और ये फैन बॉक्स फट रखा है, यहाँ से भूसा बाहर फेंक रहा है, इसको भी वेल्डिंग करानी है, और ये फैन बेल्ट टूट रखा है, ये पूरा है, ऊपर नीचे फेंक रहा है, तो इसको भी चेंज कराना है, इसको भी सही करना है, इसलिए मेरे को भी जाना है अभी बागेश्वर, और इसको सही करा के ले आता हूँ। पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं अभी बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में, और मेरे को जाना है ये वाले बाईपास में, क्योंकि यहाँ से ना भागीरथी जाऊँगा मैं। अभी स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो गया है, तो मार्केट में जाम लगेगा, इसलिए बाईपास के रास्ते निकलते हुए मैं भी चलता हूँ। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों बागेश्वर मंडल से रह के, जो कि काफ़ी मकानों से पूरा भर गया है, पहले पूरा शहर जो है वो खाली खाली हुआ करता था। तो भैया पहुंच गया हूँ मैं अभी भागीरथी, जहाँ पे मेरे को चक्की का वेल्डिंग करना है फैन बॉक्स। चलिए अब फैन बॉक्स करते हैं वेल्डिंग, और ये तो रुक भी नहीं रहा है, और मेरा हाथ भी काट दिया इसने, ऐसा हो गया पूरा, आगे से पैने हो रहे हैं ना उसके पत्ते, यहाँ से ना जो छेद दिख रहे हैं यहाँ से भूसा सब बाहर आ जाता है। हो गया है दोस्तों इसका काम, तो इसको डालते हैं पैक करते हैं, इसको करते हैं पैक, डालते हैं बैग में। ओम बीर भाई का थैंक यू से काम चला लेंगे आज, पैसे नहीं देंगे। ओम बीर भाई बागेश्वर के सारे काम निपटा के अब निकल पड़ा हूँ मैं अभी घर की तरफ, और टाइम भी काफ़ी हो गया, 6 बजने वाले हैं, वीडियो भी एडिट नहीं हुई है अभी तक, तो बहुत सारी काम करने हैं अभी घर पे जाके, क्योंकि सुबह 10 बजे का निकला हुआ हूँ, और बहुत सारे काम थे जो कि कर लिए हैं, बैग वैग फुल भर लिया है। आज ना मैंने नया वाला चश्मा लिया है एक ये, और बाकी कैसा लग रहा हूँ इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ, जो भी जैसा भी लग रहा हूँ ना आप लोगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अब चलते हैं घर की तरफ। टाइम दोस्तों 10 बज गए हैं, और प्रियांशु और मैं जा रहे हैं सामने वाले मोड़ पे उधर, क्योंकि वहाँ पे नेट की स्पीड अच्छी आती है ना, जल्दी में वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर अपलोड करके फिर चलेंगे घर को, क्योंकि कल सुबह नहीं हो पाएगी, बैल जोतने हैं। आज ना नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी आई, जिससे कि 10 मिनट में वीडियो चलेगी, और प्रियांशु भी मेरे साथ ही, और रात है ना इसलिए डर लगती है, बाघ का खतरा भी रहता है। तो अब चलता हूँ घर की तरफ, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।